भारतीय जनता पार्टी से रहें सावधान और 2022 में मनाएं अखिलेश सरकार। समाजवादी पार्टी द्वारा विधानसभा में चलाए जा रहे चौपाल कार्यक्रम में सपा के वरिष्ठ नेता रईस अहमद के आवास रेंट वालिया में आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में अतिथियों को सुनने के लिए भीड़ एकत्रित हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मसूद आलम खान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और नेताओं से सावधान रहें। यह सत्ता को पाने के लिए हमारे आपके बीच में नफरत भी पैदा कर सकते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई है। उत्तर प्रदेश के चारों तरफ से समाजवादी पार्टी की लहर खोने की खबरें आ रही हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हमें हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब देना होगा। हमें आपस में एकता भाईचारा बनाए रखना होगा। सभी जातियों को लेकर, छोटी बड़ी जातियों को साथ में लेकर अखिलेश यादव के कार्यों को जनता के बीच पहुंचाना हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है और अभी हमारे पास समय है। आज ही से हम सबको लक्ष्य की प्राप्ति के लिए माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए रात दिन एक करके जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक खामोश नहीं बैठना। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सपा के वरिष्ठ नेता रईस अहमद ने कहा कि आज जनता महंगाई से बेहाल है। सरसों का तेल, पेट्रोल, डीजल का रेट आसमान पर पहुँच गया है। देश का और प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से परेशान है। आज 500 का सिलेंडर 900 में मिल रहा है। किसानों का धान गेहूं समय से नहीं खरीदा जा रहा और पौने दामों पर उन्हें बेचना पड़ रहा है। इस सरकार में गन्ना किसानों का शोषण हो रहा है। कई महीनों से किसान 3 कृषि बिल कानून को लेकर आंदोलित है, लेकिन यह सरकार किसानों की मांग मानने के बजाय उनका उत्पीड़न कर रही है। इन्हीं सारी चीजों को आप जनता के बीच में जाकर बताएं। निश्चित ही 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। कार्यक्रम को अल्पसंख्यक सभा के पूर्व प्रदेश सचिव तस्लीम अहमद, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल सलाम, सपा के वरिष्ठ नेता माहिम हुसैन उर्फ माहिम बाबा कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे। युवा नेता अरुण प्रताप सिंह उर्फ डिंपल ने कार्यक्रम को संबोधित किया। आए हुए अतिथियों का स्वागत चित्र और वस्त्र देकर डिंपल सिंह और रईस अहमद, महबूब अहमद, बाबर हुसैन, महफूज अहमद ने किया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष दिलीप वर्मा, अल्पसंख्यक सभा के विधानसभा अध्यक्ष महबूब अहमद, अल्पसंख्यक सभा जिला सचिव बाबर हुसैन, रहम अली कादरी, महफूज अहमद, जगदीश सिंह, मोहित यादव, वसीम खान, हरिराम चौहान, पिंटू मौर्य आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खबरों की दुनिया में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल लाइव टीवी समाचार के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताजा अपडेट के लिए दबाना ना भूलें बेल आइकन। नमस्कार।